जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जामुन शॉर्ट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। जामुन शॉर्ट्स बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो जामुन। अब हम जामुन की गुठलियों को अलग करेंगे और पल्प को एक बर्तन में अलग रखते जाएंगे। जामुन की गुठलियों को अलग कर लेना है। ये देखिए, हमने सभी जामुन में से गुठलियों को हमने अलग कर लिया है। आइए शॉर्ट्स बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं जामुन पल्प। एक बोल हम इसमें डाल रहे हैं क्रश्ड आइस। जामुन शॉर्ट को बहुत ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। अगर आप इसमें क्रश्ड आइस नहीं डालना चाहते हैं तो आप जामुन के पल्प को 4 से 5 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख सकते हैं और फिर सेम प्रोसेस से शॉर्ट्स बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा बोल शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एडजस्ट, और अगर जामुन खट्टे हो तो थोड़ी सी और बढ़ा लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच काला नमक। अब हम इसमें डाल रहे हैं नींबू का रस। अगर आपके जामुन खट्टे हो तो आप इसे स्किप कर दें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 ग्लास ठंडा पानी। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस तरह से 2 कप्स लेंगे। अब हम कप्स में जूस को पोर करेंगे। जामुन शॉर्ट बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो इस समर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इस पर रखते हैं एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।